नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। और मैंने देखिए सर पे तेल लगाया है ना? तो ये तेल मैंने घर पे बनाया और सरसों का तेल है। मैं तो सरसों का ही तेल लगाती हूँ अपने सिर पे, और इसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। पहले मैं अपने सर पे लगा लेती हूँ नहीं तो आप लोग भी सोचेंगे कि क्या तेल बनाया है। तो मैं अपने लिए लगा रही हूँ, देखते हैं क्या फर्क पड़ता है। वैसे मैंने पहले भी लगाया था तो फर्क पड़ा था मुझे, इसलिए मैंने दोबारा से बना के फिर लगाना शुरू किया है। बीच में छोड़ देती हूँ ना इसलिए तो फ्रेंड्स, आज बनाने जा रही हूँ मैं शाही मलाई कोफ्ते। तो चलिए तैयारी करते हैं किचन में चल के। ले लिए मैंने टमाटर दो बड़े साइज के, प्याज चार ले लिए मीडियम साइज के, काजू ले लिए 15-20, और ये ले रखे मैंने बादाम, काजू और किशमिश को रफली काट लिया है, हरी मिर्च, पनीर, हरा धनिया, बॉयल आलू ले लिए चार ले लिए मैंने, दो छोटे छोटे ले लिए मैंने, चार मेरे पास छोटे थे, और अगर आपके पास बड़े हैं तो आप दो लीजिएगा। अदरक काट के ले लिया है मैंने, इसको कद्दूकस करके ले लिया है। और अब बनाने जा रहे हैं हम मलाई कोफ्ते, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मैंने ले लिया है कद्दूकस करने के लिए, और इसमें मैं पनीर और आलू को कद्दूकस कर लेती हूँ जल्दी से। ये मैंने आलू कद्दूकस कर लिए हैं और ये पनीर मैंने कद्दूकस कर लिया है, इसको हम कर लेते हैं मिक्स। इसमें अब इसमें मिला लेंगे मसाले, ये मैं अदरक मिला लेती हूँ, और डालेंगे इसमें है हरा धनिया, अपने हिसाब से डाल लीजिए, हरी मिर्च बच्चे खाते नहीं है तो मैं थोड़ा सा ही डालूंगी। और डालेंगे हम इसमें, ये मैंने काली मिर्च का पाउडर लिया है, और 2 चम्मच डालेंगे कॉर्नफ्लोर, इससे ना थोड़ा सा बाइंडिंग और अच्छी हो जाएगी। ये मेरे पास कॉर्नफ्लोर था, ये देखिए। और डालेंगे हम इसमें स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, और इसको अब हम कर लेंगे मिक्स। हल्के हल्के हाथों से मिक्स करेंगे। हल्के हाथों से बना लेंगे हम, सारे बना लेते हैं पहले और फिर इनको फ्राई करेंगे। ये बन चुके हैं और अब इनको मैं इसमें हल्का सा कॉर्नफ्लोर में डीप कर लूँगी और इसको हाथ से हल्का सा लपेट लेंगे। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं बॉल से, ये देखिए आपको दिख रहे होंगे। और अब इनको हम फ्राई करते हैं जल्दी से। चलिए मैंने एक यहाँ पर कढ़ाई रख ली है कोफ्ते को फ्राई करने के लिए, और एक रख ली है मैंने इसको मसाला ग्रेवी जो है उसको तैयार करने के लिए। ये मैंने यहाँ पर ऑयल डाल देती हूँ, इसी में से डाल देती हूँ मैं ऑयल, और इसमें मैं डाल रही हूँ ये तेज पत्ते 2, और
ये चार इलायची है, एक दालचीनी है, तीन चार लौंग है, काली मिर्च है, इनको थोड़ा सा फ्राई होने देती हूँ हल्का सा। और ये मेरा कोफ्ते का जो ऑयल है ये गर्म हो चुका है, इसमें मैं ये कोफ्ते हल्के से फ्राई करने के लिए रख देती हूँ, देखिए। और साथ में मेरी ग्रेवी भी तैयार हो रही है। देखिए और अभी मैं इनको हिलाऊंगी नहीं, और यहाँ मेरा ये डाल दूंगी प्याज, और इनको मैं थोड़ा सा अच्छे से भून लूंगी। और इधर कोफ्ते बन रहे, इधर प्याज देखिए, और ये इसमें मैंने लहसुन की कली डाल ली थी, और अदरक थोड़ा सा मैंने डाल दिया है। इसका कच्चापन जो है ना थोड़ा सा खत्म हो जाए, फिर मैं डालूंगी जो मैंने ये टमाटर रफली काट लिए हैं, जो दो टमाटर। और ये देखिए इनको ना हल्के हाथों से अभी छेड़ना नहीं है बिल्कुल भी, ये देखिए हो गए ना। बहुत ही सॉफ्ट है इसलिए पलटने में भी थोड़ा सा, देखिए कितना सुनहरा कलर आ रहा है। और इधर मेरी ग्रेवी का मसाला, थोड़ा सा प्याज हल्का सा रोस्ट हो गया है, देखिए कितना सुंदर कलर आ रहा है। और ये मेरे प्याज फ्राई हो चुके हैं, गोल्डन ब्राउन से हो गए हैं। और अब इसमें मैं थोड़ा सा मसाला डालती हूँ, पिंच डालेंगे हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, और स्वाद अनुसार नमक, ठीक है। इनको मैं फ्राई कर लेती हूँ अच्छे से कर लीजिए। और जो ये कोफ्ते हैं ना इनको हम हल्की आंच में ही फ्राई करेंगे, तो तभी ये अच्छे से देखिए अंदर तक पकेंगे थोड़ा सा। और हम ज्यादा तेज आंच में करेंगे ना तो फिर ये जल जाएंगे। अब इसमें मैं डाल देती हूँ काजू चार पांच, और ये डालूंगी मैं तिल, ये मेरा सीक्रेट है, इसको आप एक बार डाल के देखिए। अगर तिल नहीं है तो आप मूंगफली में भी बना सकते हैं। अब मैं डाल दूंगी टमाटर और इसको अच्छे से भून लेंगे। टमाटर डाल के पकने के लिए रख दिया है, और इसमें डालूंगी दो बड़े चम्मच टमाटो केचप। ये मसाला हो गया ठंडा, अब इसको मैं मिक्सी जार में पीस लूंगी, अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी। अच्छे से पक गए हैं और ठंडा होने के बाद पीसूंगा दूंगी थोड़ी देर, क्योंकि मिक्सी खराब होने का, अगर गर्म पीसेंगे तो मिक्सी खराब होने का डर रहता है, इसलिए जब ठंडा हो जाए तब आप इसे अच्छे से पीस लीजिए। और यहाँ पर मैंने कढ़ाई रख ली है, उसमें डाल दिया है घी और जो पीसा हुआ बैटर है सारा मसाला, और वो उसमें मैं डाल दूँगी। और थोड़ा सा पानी से धो के भी आप इसमें डाल दीजिए अच्छे से। और देखिए कितनी अच्छी ग्रेवी तैयार हो गई। अगर आप चाहें तो इसमें ऊपर से देगी मिर्च डाल सकते हैं। मैंने वो जो उसमें डाली थी मसाले में, वो मैंने देगी मिर्ची ही डाली थी, लाल मिर्च नहीं डाली थी। मैं देगी लाल मिर्च का यूज़ नहीं करती हूँ, देगी मिर्च इसलिए डालती हूँ ताकि थोड़ा सा कलर आ जाए,
ये देखिए कितनी अच्छी ग्रेवी तैयार हो गई मलाई है। मलाई फेंट ली है और घर की मलाई है, और अब मैं इसको इसमें डाल लूंगी। देखिए कितना एकदम रिच सा कलर आया है, बहुत ही बढ़िया कलर आया है इसमें। देखिए तो चलिए सर्व करते हैं, इसमें बॉईल भी आ गया है। तो ये मैंने रख लिए हैं अच्छे से, और अब मैं इसमें डालूंगी ग्रेवी। देखिए, और इसमें डालूंगी मैं थोड़ा सा हरा धनिया। और डालूंगी मैं सफेद तिल। और जो मलाई रखी है ना थोड़ा सा बची हुई, तो उसको ऊपर से डाल देंगे तो बहुत ही सुंदर लगेगा। सर्व करने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। देखिए कितनी खूबसूरत डिश लग रही है, लग ही नहीं रहा कि हमने अपने हाथों से बनाई है। एक बार आप भी बनाइए और खिलाइए। देखिए कितने सॉफ्ट बने हैं, खाने में भी ऐसा लग रहा है जैसे मुंह में जाते ही घुल जाएंगे। तो फ्रेंड्स फिर मिलती हूँ और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय 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 फ्रेंड्स, थैंक यू।